दिल्ली को सिर्फ फ्रांस से ही सीखने की जरूरत नहीं है, बल्कि जर्मनी से भी कुछ सीखना चाहिए। एक तरफ तो यमुना प्रदूषित हो रही है, तो दूसरी तरफ कुछ साल पहले जब दुनिया की सबसे प्रदूषित गंदी मैली नदियों का जिक्र होता था, तो उस समय जर्मनी की राइन नदी का नाम सामने आता था। करीब 1230 किलोमीटर लंबी नदी इतनी गंदी हो चुकी थी कि बीमारियां फैलने लगी थी, लेकिन आज उसी नदी का नाम सबसे साफ सुथरी नदियों में शामिल है। ये कैसे हुआ, जबकि राइन नदी दुनिया का सबसे व्यस्त जलमार्ग है। यूरोप की मैली नदी राइन कैसे बनी यूरोप की लाइफलाइन? चार देशों से गुजरने के बाद जर्मनी में दाखिल होने वाली राइन नदी का पानी इतना स्वच्छ और निर्मल कैसे? आखिर भारत की नदियों का पानी सफाई के बावजूद भी गंदा क्यों रहता है? आखिर क्यों गंगा और यमुना जैसी नदियां प्रदूषण की मार झेल रही हैं? इस सवाल का जवाब राइन नदी की यात्रा में है। जर्मनी की राइन नदी में प्रदूषण और फिर सफाई की कहानी हैरान करने वाली है। स्विट्जरलैंड की आल्प्स पहाड़ियों से निकलने वाली राइन नदी दुनिया के सबसे व्यस्ततम कमर्शियल जलमार्गों में से एक है। ये स्विट्जरलैंड से निकलकर ऑस्ट्रिया, फिर स्विट्जरलैंड के बाद जर्मनी में दाखिल होती है। राइन नदी जर्मनी और फ्रांस के बीच सीमा बनाती है। जर्मनी और हॉलैंड से बहती हुई ये उत्तरी सागर में मिल जाती है। स्विट्जरलैंड से उत्तरी सागर तक यात्रा पूरा करने के लिए राइन नदी 1230 किलोमीटर की दूरी तय करती है। लेकिन सवाल यह है कि यूरोप की सबसे बड़ी नदियों में शामिल राइन प्रदूषित कैसे हो गई, और ऐसा क्या हुआ कि दुनिया भर में ये नदी अपने साफ पानी के लिए विख्यात हो गई? राइन नदी के किनारे दुनिया के बड़े औद्योगिक शहर। औद्योगीकरण की वजह से 1950 के बाद ये नदी प्रदूषित होने लगी थी। 1980 के दशक तक राइन नदी का पानी जहरीला हो गया था। उस वक्त यूरोप की सबसे गंदी नदियों में से ये एक थी। इससे बदबू आती थी और इसमें मरी हुई मछलियां दिखती थी। नदी के बीच के पानी में भी प्रति घन सेंटीमीटर करीब 20,000 बैक्टीरिया थे। जब स्थिति खराब हुई तो जर्मनी समेत यूरोप के सभी देशों ने इस नदी को साफ करने की जिम्मेदारी उठाई और उसके बाद सफाई अभियान शुरू हुआ। 1230 किलोमीटर लंबी नदी का पानी साफ रहे ये तय करने की जिम्मेदारी 9 इंटरनेशनल स्टेशन और 20 नेशनल स्टेशनों पर है। वो लगातार इस पानी पर नजर रखते हैं। राइन नदी के किनारे बसे बॉन शहर की आबादी करीब 3,27,000 है, और बॉन शहर में पानी की सफाई के लिए 4 बड़े ट्रीटमेंट प्लांट हैं, जबकि दिल्ली की आबादी बॉन शहर के मुकाबले करीब 60 गुना ज्यादा है, और दिल्ली में ऐसे सिर्फ 9 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं। यानी जिस शहर की आबादी सिर्फ 3 लाख है, वहां पर पानी की सफाई के लिए 4 प्लांट, और देश की राजधानी दिल्ली की आबादी जो करीब 2 करोड़ है, वहां सिर्फ 9 प्लांट के जरिए ही दूषित पानी का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। वो भी कई ट्रीटमेंट प्लांट प्रॉपर काम नहीं करते। यही नहीं, भारत के कई कस्बों में अत्याधुनिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की सख्त कमी है। जबकि पूरे जर्मनी में 15,000 से ज्यादा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं, जिनमें जर्मनी के 95% इस्तेमाल पानी को भेजा जाता है और वहां पानी को साफ किया जाता है और फिर जल स्रोत में छोड़ दिया जाता है। राइन नदी के पानी की सफाई 3 चरणों में होती है। हर स्टेप में पानी से अलग अलग चीजें निकाली जाती हैं। दूषित पानी से पहले पत्ते, पेपर, टेक्सटाइल, प्लास्टिक, सैंड, स्टोन, ग्लास, फैट, ऑयल और केमिकल को अलग किया जाता है। फिर न्यूट्रलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, फास्फेट और नाइट्रोजन एलिमिनेशन की प्रक्रिया से पानी को गुजारा जाता है। इस तरह से सफाई के बाद साफ पानी को नदी में छोड़ दिया जाता है। यूरोप में न सिर्फ बड़ी नदियां बल्कि छोटी नदियों की भी सफाई की जाती है। राइन नदी की सहायक नदियों के किनारे भी सैकड़ों गांव और बस्तियां हैं। उन सब के लिए भी पानी साफ करने की व्यवस्था की गई है। यहां हर 4 से 5 गांव के लिए एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। सारे गांव का खराब पानी ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचता है और फिर सफाई कर जल धाराओं में छोड़ा जाता है। लेकिन ट्रीटमेंट के बाद भी पानी में कुछ फीसदी तक बैक्टीरिया होते हैं,
इन बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए नदियों के किनारे कुछ हिस्सों को संरक्षित कर दिया गया है, जहां नदियों में कोई भी बाहरी तत्व नहीं गिरता और ना ही संरक्षित इलाके में होने वाली खेती में केमिकल मिलाया जाता है। इस तरह से राइन नदी के पानी को निर्मल रखने की प्रक्रिया पूरी की जाती है। अगर ऐसे किसी नदी जैसे यमुना का है कि फ्लड प्रोन है, फ्लड आ सकती है, तो अभी हम नदियां जोड़ने की बात करते हैं तो नदियों को डायवर्जन भी कर सकते हैं, उसको वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ा सकती हैं, उसका डिसिल्टिंग होना चाहिए और पानी का जो हम संचय करते हैं उसका भी सोचना चाहिए। जब हम पानी को बहुत मात्रा में खेती के लिए ज़रूरत है तो ऐसे चेक डैम जैसे ये तो बड़ी डैम रहेगी, बनानी चाहिए। राइन नदी यूरोप के सबसे बड़े पोर्ट रोटरडम को 6 देशों से जोड़ती है। हर साल इस नदी पर 6,900 से भी ज्यादा जहाज चलते हैं। एक जहाज में करीब 10 मिलियन टन सामान होता है। नदी से 4,400 मोटर कार्गो और 1,300 टैंकर भी गुजरते हैं। इन सब के बावजूद राइन नदी का पानी बहुत साफ है, तो सवाल ये है कि अब भारत की नदियाँ इतनी साफ कब और कैसे होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP न्यूज। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।